गुड मॉर्निंग। ये बीएससी पार्ट थर्ड का टॉपिक है अपने, एक ग्रुप है। हम ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, किस तरह के शेयर को ग्रुप का कहेंगे। ग्रुप की डेफिनेशन के पहले ये तीन चार ऐसी प्रॉपर्टीज है हमारी जिनको हमको देखना, जिससे हमारा ग्रुप हम समझ पाएंगे। एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, फॉर एवरी एलिमेंट ए बी इन सेट ऑफ इंटीजर्स है तो ए प्लस बी भी इंटीजर्स में आए, तो इस तरह की अगर प्रॉपर्टी नंबर्स में होगी, एलिमेंट्स में होगी, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट ए बी सी इन आई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एक जनरल प्रॉपर्टी है, लेकिन हम एक बार रिपीट करते हैं। एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी, फॉर एवरी एलिमेंट ए इन आई देयर एग्जिस्ट जीरो इन आई सच देट ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू, उसको लेफ्ट साइड में ऐड करो चाहे राइट साइड में ऐड करो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो एलिमेंट की, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। एक इन्वर्स प्रॉपर्टी है, तो फॉर एवरी ए इन आई देयर एग्जिस्ट माइनस ए इन आई सच देट ए प्लस माइनस इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। ये इसको चाहे लेफ्ट में अपन उसको ऑपरेट करें चाहे राइट साइड में उस एलिमेंट को ऑपरेट करें इन्वर्स है, तो वो उसकी वैल्यू आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, आइडेंटिटी आ जाएगी। एक प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसी वाली, फॉर एवरी ए बी इन आई ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये कॉम्यूटेटिव। ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए हमने एडिशन ऑपरेटर के लिए हम एक बार समझ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन ऑपरेटर के लिए है। इसके बाद में एक चीज़ हमारे काम आएगी, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन ये जनरली हमारे जो मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स हैं, ये बाइनरी है, दो एलिमेंट, बाइनरी का मतलब दो है, तो बाइनरी ऑपरेशन हम यहाँ ग्रुप में हम कैसे डिफाइन करेंगे। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, जी हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एन ऑपरेशन स्टार, एनी ऑपरेशन, एन ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन जी, ऐसा ऑपरेशन जो जी में डिफाइन हो, इस सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन इफ फॉर एवरी ए बी इन जी ए स्टार बी इन जी। ये ऑपरेशन जी में डिफाइन हो तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी, वो जो ये अपनी फर्स्ट वाली है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन ही है। अगर ये ऑपरेशन जो डिफाइन है हमारा जी में, और वो अगर इस तरह से ए स्टार बी भी जी में ही आए, तो हम कहेंगे कि ये ऑपरेटर बाइनरी है। इस ग्रुप के लिए एक हमारे पास ये हमको समझना होगा एलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजे व्यंजक एलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, किसको हम एलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे, ए नॉन एम्प्टी सेट जी, कोई एक जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इक्विप्ड विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस, इक्विप्ड वन और मोर, उसमें एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेटर्स हो, इस सेट टू बी एलजेब्रिक स्ट्रक्चर, वो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। कोई भी जी नॉन एम्प्टी सेट हो और उसमें एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेटर्स हो, तो उन सेट और उन ऑपरेटर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। जनरली हम इसको इस तरह लिखते हैं, ये आई प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स है प्लस एक ये एलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये आई मल्टीप्लिकेशन ये सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ ये एलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, आर प्लस डॉट ये मल्टीप्लिकेशन का ही है, तो ये एलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये हमारे पास एलजेब्रिक स्ट्रक्चर के एग्जांपल है, इस तरह के हम उसको एलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इन सब से यूज करके अब हम ग्रुप को डिफाइन करते हैं, ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं, ग्रुप किसको हम कहेंगे। अब हम ग्रुप को डिफाइन करते हैं, ग्रुप क्या होगा, लेट जी बी ए सेट नॉन एम्प्टी सेट इन विच एन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड,
कोई जी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एक ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है, यहाँ ऑपरेटर मीन्स बाइनरी ऑपरेटर स्टार डिफाइंड है, देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये जी स्टार, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ए ग्रुप, तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप कहलाएगा इफ फॉलोइंग एग्जिम्स आर सेटिस्फाइड, तो ये एग्जिम्स ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप कहलाएगा। अब एग्जिम्स क्या क्या है, क्लोजर एग्जिम्स, अब यहाँ ये क्लोजर एग्जिम्स हम स्टार ऑपरेटर के लिए देख रहे हैं, पहले हमने एक बार इसको रिपीट किया था तो वो प्लस ऑपरेटर के लिए था, तो यहाँ अब हमारा ऑपरेटर है वो स्टार है, एक स्टार ऑपरेटर लेके चल रहे हैं। क्लोजर एग्जिम्स सेटिस्फाई हो फॉर एवरी ए बी इन जी, दो एलिमेंट कोई भी दो एलिमेंट जी में हो तो ए स्टार बी इन जी, तो उन दोनों को ऑपरेट करें उस ऑपरेटर से तो जो रिजल्ट आए वो भी जी में हो, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एवरी ए बी सी इन जी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, ये दोनों इक्वल हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी हमारी इसमें आइडेंटिटी की रहेगी, फॉर एवरी ए इन जी कोई भी एलिमेंट जी में हो, देयर एग्जिस्ट ई इन जी, यहाँ ये ई है, इस ग्रुप के लिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर करके चल रहे हैं, जब पूरे हम इसमें ई को आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलेंगे, तो देयर एग्जिस्ट ई इन जी सच देट ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, इसको लेफ्ट साइड में ऑपरेट करो चाहे राइट साइड में ऑपरेट करो, उस एलिमेंट की वैल्यू वही रहती है, तो वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट हमारी एग्जिम से सेटिस्फाई होगी। और इनवर्स की, फॉर एवरी ए इन जी देर एग्जिस्ट ए इनवर्स इन जी सच देट ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई, ई यहाँ आइडेंटिटी है, इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए, तो अगर वो उसका वो इनवर्स भी एग्जिस्ट करे उसमें कोई भी एलिमेंट हो तो उसका इनवर्स भी उसी में हो, इनवर्स ऐसा, तो उस एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करने पे हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। ये चारों प्रॉपर्टी अगर इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में सेटिस्फाई होती है, चारों एग्जिम्स इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में सेटिस्फाई होते हैं तो हम कहेंगे ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार एक ग्रुप है, ये जी स्टार को हमें एक ग्रुप कहें, तो ये हमारी ग्रुप की एक डेफिनेशन है। अब थोड़ी इसके एडवांस में इसी में एबिलियन ग्रुप किसको कहेंगे हम, एबिलियन ग्रुप क्या क्या होगा, तो अगर जी स्टार हमारे पास ग्रुप है इसका मतलब ये चारों प्रॉपर्टीज चारों एग्जिम्स है सेटिस्फाई होगी, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स, जी स्टार कोई ग्रुप है और उसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई होती रहे, कॉम्यूटेटिव एग्जिम्स भी सेटिस्फाई हो सच देट फॉर एवरी ए बी इन जी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, अगर कॉम्यूटेटिव एग्जिम्स भी सेटिस्फाई हो तो उस ग्रुप को हम एबिलियन ग्रुप कहेंगे, तो ये उसका ये थोड़ी सी एडवांस है इसके ग्रुप के बाद में, ग्रुप एबिलियन भी है क्या, वेदर इट इज एबिलियन और नॉट हम ये देखते हैं। इसके बाद में हम एक देखते हैं सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप किसको कहेंगे, वही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ए नॉन एम्प्टी सेट जी विथ एन ऑपरेटर स्टार इज सेड टू बी सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप में अगर दो ही प्रॉपर्टी अगर दो ही एकदम सेटिस्फाई होती हो तो उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम सेमी ग्रुप कहेंगे, दो प्रॉपर्टी क्लोजर हो और एसोसिएटिव हो, अगर दो ही प्रॉपर्टी किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में सेटिस्फाई हो रही हो तो हम उसको सेमी ग्रुप कहेंगे, चारों होती हो तो ग्रुप हो जाएगा और अगर कॉम्यूटेटिव एग्जिम्स और सेटिस्फाई होती हो तो वो एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ये क्या इंपॉर्टेंट हम जो आगे हमारे काम में आएगा ये इसी से रिलेटेड है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, तो
किसी ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उसका ऑर्डर कहलाता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ जी। उस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसका ऑर्डर कहलाएगा और इट इज डिनोटेड बाई ऑर्डर ऑफ जी। ये ऑर्डर को डिनोट करने के लिए हमारा ये ओ ब्रैकेट के साथ कैपिटल जी, ये हम इसको नोट डिनोट करते हैं ऑर्डर को कैसे डिनोट किया जाए। तो ये हमारी एक जनरल ग्रुप किसे कहेंगे, ग्रुप के लिए हमारा ये कुछ नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट और उसमें कोई ऑपरेटर डिफाइन है, उस ऑपरेटर डिफाइन के बाद में अगर ये एकदम सेटिस्फाई हो जाती है वो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा और उस ऑपरेटर के साथ, और वो उस एलजेब्रिक स्ट्रक्चर में अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये ग्रुप के लिए फोर प्रॉपर्टीज है, अगर ये फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसको ग्रुप कहेंगे। अब इसके आगे इसकी थ्योरम्स वगैरह हम देखेंगे कैसी होती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रुप क्या होता है, किसको हम ग्रुप कहेंगे, ये